आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकोडिलाइटिस के बारे में। जैसा कि नाम बताता है, टेनिस एल्बो यानी कि कोहनी पे होने वाली प्रॉब्लम, और नाम के हिसाब से टेनिस प्लेयर्स में ये कॉमन होनी चाहिए, पर यह अदर स्पोर्ट्स खेलने वाले वह आम जनता को भी होती है। इस बीमारी का प्रेजेंटेशन कोहनी में दर्द की तरह होता है। कोहनी के बाहरी हिस्से में हड्डी व उससे जुड़ी हुई मांसपेशियां दर्द करती हैं। स्पेशली वो एक्टिविटी जिसमें कि कलाई को ऊपर उठाना पड़ता है, जैसे कि रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हुए, बैडमिंटन, लॉन टेनिस खेलते हुए, स्क्वाश खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, या डे टू डे एक्टिविटीज जैसे ड्राइविंग करना, कोई वेट लिफ्ट करना, इसमें पेशेंट्स एल्बो और फोरआर्म पेन की कंप्लेंट करते हैं। अक्सर यह पेन एक्टिविटीज के संग बढ़ जाता है। डिजीज सीवियर हो तो यह पेन रेस्ट के साथ भी आता है। यह डिजीज नहीं है, एक प्रकार से रिपीटेटिव ओवर यूज के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, यानी हम अत्यधिक अपने हाथ को, फोरआर्म को और एल्बो को इस्तेमाल करते हैं। इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी पार्ट है इस हिस्से को रेस्ट देना। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि अभी हमने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की थी और यह हमें शुरू हो गई है परेशानी, तो यह सीधे सीधे गाइड करती है कि कुछ दौरान उस पीरियड के लिए हमें अपनी एल्बो को रेस्ट देना चाहिए। साथ में आइस पैक्स यूज करने चाहिए। जरूरत पड़ने पे शॉर्ट टर्म मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो इसमें फिजियोथेरेपी का रोल होता है, और बिल्कुल ठीक ना होने पे और सारे इलाज फेल होने पे इसमें सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अक्सर पेशेंट्स को हम प्रिवेंटिव मेजर्स में कहते हैं कि खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप करें व खेलने के बाद अपने फोरआर्म की और रिस्ट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किया करें। साथ में वह लोग जो टेनिस एल्बो या एल्बो पेन के लिए प्रोन होते हैं, वह इसमें बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं खेलते समय। तो इस बीमारी से बचने के लिए अपने मसल्स को, फोरआर्म की मसल्स को, रिस्ट की मसल्स को स्ट्रांग करें और पहले सिम्टम आते ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर इसे नेग्लेक्ट किया जाता है तो यह परेशानी लंबे समय तक पेशेंट्स को दिक्कत देती है। धन्यवाद।